क्रिप्टो में अगर आप लोगों ने मिलियंस नहीं बनाए तो क्या फ़ायदा इस बुल रन का। अगर आप लोगों के पास थोड़े पैसे हैं और टाइम है और कंप्यूटर जानते हैं तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यूनिस्वैप से आप 1000 को 1 मिलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 1000 रुपये हो सकते हैं, वो 1000 पाउंड हो सकते हैं, वो 1000 डॉलर हो सकते हैं। दोस्तों चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप 1000 को 1 मिलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिस्वैप इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों शुरू करते हैं, आप लोगों को पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यूनिस्वैप क्या है। यूनिस्वैप जो इथेरियम के जितने भी टोकन क्रिएट होते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी टोकन क्रिएट होते हैं, वो सबसे पहले यूनिस्वैप के ऊपर लिस्ट होते हैं। यूनिस्वैप जो है ना एक एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। मैंने आप लोगों को कोर्स में बताया था डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और एक्सचेंज किसकी है, इथेरियम के जो लोकल टोकन्स हैं उनकी। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी टोकन क्रिएट होंगे, क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट होंगी, वो यूनिस्वैप के ऊपर ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों जितने भी नए नए प्रोजेक्ट आते हैं अगर वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनते हैं ना तो यूनिस्वैप के ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं। तो हम कैसे पैसे बनाएंगे इसमें, हमारा क्या फ़ायदा, वो कैसे कहता है, आज हम चलते हैं और आपको इस जर्नी में मज़ा आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जब हम आ जाते हैं यूनिस्वैप के ऊपर, आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे कनेक्ट कर बटन प्रेस करना है और अपना जो मेटामास्क है, मेटामास्क के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मेरे कोर्स में जाके चेक कर सकते हैं। मेटामास्क के ऊपर आपने वॉलेट बनाया हुआ है और वॉलेट आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। सबसे पहला काम ये करना, यूनिस्वैप के ऊपर आपने ये याद रख लेना है कि आपके पैसे जिसको फिएट मनी कहते हैं वो काम नहीं करेगी। यूनिस्वैप के ऊपर आपकी फिएट मनी काम नहीं करेगी, ये याद रख लेना है। आपने यहाँ पे जब आना है यूनिस्वैप के ऊपर, इथेरियम इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोगों के पास इथेरियम नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करें, इथेरियम को बाय कर लें। मेटामास्क के अंदर ही इथेरियम को बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे बाय, यहाँ से आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस वो सेल कर रही होती हैं इथेरियम, तो आप $100 का बाय करना है, 200 का करना है, जितने का भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर आर्गुमेंट सेक $100 करते हैं तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल गया, रेवोल्यूट बाय दे रहा है, ये दे रहा है, ये सारे दे रहे हैं। क्लिक किया आप लोगों ने, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इनको जो पेमेंट की है 100 की, कंटिन्यू करना है और ये आपको पेमेंट का ऑप्शन बताएंगे, फ़ोन नंबर सब कुछ डालना है और आपने इथेरियम बाय कर लेना है। जब आप लोगों ने इथेरियम बाय कर लिए तो इथेरियम आपके वॉलेट में शो हो जाते हैं, ठीक है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में वो आपके वॉलेट में इधर शो हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिस्वैप के साथ अपना वॉलेट भी कनेक्ट कर लिया और यूनिस्वैप और अपने वॉलेट के अंदर $100 के इथेरियम भी ले लिए। अब आपके पास इथेरियम वो करेंसी है जो यूनिस्वैप के ऊपर इस्तेमाल होने वाली है, वो करेंसी आपके पास आ गई। अब आप लोगों ने उससे ट्रेडिंग कैसे करनी है यूनिस्वैप के ऊपर। दोस्तों अब आ जाता है हमारा जो है ना कॉइन मार्केट का, आ जाएंगे अपनी मदरशिप के ऊपर जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। ये पहला टैब बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है, अगर आप लोग चाहते हैं कि विद इन 1-3 मंथ्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 times करें तो ये टैब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेंटली एडेड, आपने क्लिक कर लेना है रिसेंटली एडेड के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया है ये वो वाले कॉइन्स हैं जो अभी ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे ऐड करने का टाइमिंग भी आ रहा है 7 hours ago, 9 hours ago, ये बस 9 hours ago इस क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अभी लिस्ट हुए हैं तो ये नए नए हैं, अभी ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं चढ़े, अभी ये शुरुआत है इनकी। यहाँ से आप लोगों ने हंट करने हैं कॉइन्स, कौन सा कॉइन आप लेना चाहते हो। और देखो जैसे ही ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होंगे इनकी प्राइसेस चढ़ जाएंगी, इनकी प्राइस ऊपर चली जाएगी क्योंकि फिर एक्सेसिबल हो जाएंगे सब लोगों के लिए। अब आप लोग सोचते हैं ना कि ये लोग इससे फ़ायदा कैसे उठाते हैं, एक्सचेंज पे जब तक आते हैं कॉइन तब तक बहुत महंगे हो चुके होते हैं। तो ये यूनिस्वैप में जो है ना इथेरियम के जो लोकल टोकन है वो यूनिस्वैप में जो है ना ट्रेड हो रहे होते हैं, और जो बाइनांस के होते हैं वो पैंकेकस्वैप में हो रहे होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यूनिस्वैप पे रहते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक हो गया। तो आपने देखे यहाँ पे 14 आवर्स पहले हुआ है बी डेड, ठीक है, बी डेड के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ये देखें ये कहाँ कहाँ पे लिस्ट हुआ है यूनिस्वैप के ऊपर। सबसे पहला नंबर 1 पे यूनिस्वैप पे हुआ है, यूनिस्वैप के ऊपर
यहाँ पे देखिए ये लिस्ट हुआ हुआ है 0.01 का है और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर आ रहा है, ये देखें। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक करके कॉपी किया, अब मैं गया यूनिस्वैप के ऊपर, यूनिस्वैप के ऊपर मैंने सेलेक्ट टोकन किया, यहाँ पे मैंने वो कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है ना वो पेस्ट कर दिया। तो देखें यहाँ पे बीडिड आ गया, मैंने क्लिक किया और मैं फिर यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100 नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 0.1 इथेरियम, ठीक है, 200 वर्थ का है, या 0.05 है, ठीक है, हम $100 के 93 का, तो आपको यहाँ पे कितने मिल गए, 5834 बीडिड मिल गए, ठीक है। ये आपके मेटामास्क के अंदर आ जाएंगे, जैसे ही आप बाय करेंगे इनसफिशिएंट इथेरियम कह रहा है, जैसे आप इसको चेकआउट करेंगे ये आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएंगे। अब मैंने एक और वीडियो में बताया है कि मेटामास्क क्या है, कोल्ड हॉट वॉलेट क्या है, लेजर क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हैं ये इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो वो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके अकाउंट में ये आ गए मेटामास्क में, अब यहाँ तक तो प्रोसेस समझ आ गया कि आप लोगों ने आए न्यू कॉइन को फाइंड आउट किया और आपने उसको यूनिस्वैप के ऊपर बाय कर लिया, ये प्रोसेस यहाँ तक आपके माइंड में क्लियर हो गया, जो चीज़ बुनियाद है वो क्लियर हो गई। अब हमने आगे सोचना है कि इससे पैसा कैसे बनाना है। दोस्तों कोई भी कॉइन मैं आपको रेफर करता हूँ और अगर वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है तो उसको इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है तो उसको बाय कैसे करेंगे, यूनिस्वैप के ऊपर जाके बाय करेंगे। यूनिस्वैप के ऊपर बाय करने के लिए आपको इथेरियम की ज़रूरत पड़ेगी। इथेरियम आप कैसे बाय करेंगे, आप वॉलेट के अंदर से बाय कर सकते हैं मेटामास्क से, वहाँ से बाय किया उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉइन है उसको ढूंढना कैसे है, उसका कॉइन मार्केट कैप से उसका कॉन्ट्रैक्ट आईडी उठाना है और उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, अब हमारे पास फ़ायदा कैसे होगा, हम पैसा कैसे कमाएंगे। दोस्तों जब आप आ जाते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं रिसेंटली एडिट, पैसा जो अगर आपने 1 to 100 टाइम करना है विद इन 1 मंथ, वो जब कॉइन शुरू में आता है मार्केट में उस वक्त कर सकते हैं। जब कॉइन जो है ना पुराना हो जाता है, एक्सचेंज पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको बाय कर लेते हैं, प्राइस एक बार पंप हो चुकी होती है, फिर उसकी जो मल्टीप्लायर होते हैं ना, मैंने आपको ये बताया था कोर्स में कि मैंने आपको मल्टीप्लायर बनाना है, आपने ये देखना है अपनी इन्वेस्टमेंट आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 10 गुना 100 1000, 20 से मल्टीप्लाई मतलब 20 गुना 100 को 2000, और 100 को मल्टीप्लाई 100 से 100 गुना 100 को मतलब 10000। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 100 गुना करें तो वो शुरुआत में पॉसिबल है। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाती है तब उसको 100 गुना करना पॉसिबल नहीं होता, शुरू में पॉसिबल होता है क्योंकि शुरू में न्यू होती है, उसकी प्राइस बिल्कुल कम होती है और ज़्यादा जब इंटरेस्ट उसमें आता है लोग इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी प्राइस काफ़ी पंप हो जाती है। तो दोस्तों जब यहाँ तक समझ आ गया कि न्यू क्रिप्टो करेंसी को बाय कैसे करना है, अब ये देखना है कि न्यू क्रिप्टो करेंसी में से हमने पैसा कैसे बनाना है, 100 को 10000, 10000 को 10 लाख कैसे करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ना वही रिसर्च इस्तेमाल करनी है कि आपने अपना बेस्ट गेस लगाना है कि आप लोग इसमें से जो है कौन सा जो वो है प्रोजेक्ट है वो आगे जाने वाला है, बेस्ट गेस लगाना है, रिसर्च करनी है। जैसे मैंने आपको कोर्स में बताया कि रिसर्च कैसे करनी है, गूगल पे चेक करना है उसकी जो है ना उसका हनी पॉट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, उसकी लिक्विडिटी इनफ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। तो अब हम मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि मैं यहाँ पर रिसर्च करता हूँ कि इनमें से जो है कौन सा जो है ना टोकन है मुझे समझ आ रहा है। अब ये देखें 9 घंटे पहले ये है, ये बाइनांस के ऊपर हम इसको छोड़ देंगे, 14 आवर्स पहले ये बीडिड आ गया, अब मैंने उसको उठाया यहाँ पे देख लिया इथेरियम से रिलेटेड कौन से हैं, ये एक OXOS AI आ गया, ये यहाँ पे एक यहाँ पे बीडिड आ गया रिसेंटली। अब ये देखें एक और नीचे आ गया ट्रंप मेगा, और नीचे ये देखें ये जो इथेरियम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यूनिस्वैप कर रहे हैं तो सिर्फ हमें इथेरियम का जो है ना उठाना है, सोलाना का है, राइडम है, रेडियम है, बाइनांस का पैंकेक स्वैप है, वो दूसरी एक्सचेंजेस हैं, हम सिर्फ इथेरियम की बात कर रहे हैं। लकी कैट आ गया यहाँ पे, ट्रंप आ गया, और हमारे पास यहाँ पे आ गया जो है OXOS AI। हमने यहाँ पे वही की वही जो पुरानी हम जो रिसर्च करते थे वही रिसर्च हमने यहाँ पे भी करनी है।
देखें यहाँ पे हमने बॉटम में आए, हमने देखा इसकी जो है ना वॉच लिस्ट में है 163 लोगों की वॉच लिस्ट में है, ठीक हो गया, ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं है। 24 आवर्स में इसकी जो है वो हुई है, 24 आवर वॉल्यूम कितना है, 24 आवर वॉल्यूम है $147,000 और मार्केट कैप इसकी कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 530, मतलब कि इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, बीडीड को देखता हूँ, ये देखते हैं कितना पॉपुलर है। तो दोस्तों मार्केट कैप है इसकी 7.5 मिलियन और 24 आवर वॉल्यूम जो है इसका 821,000, ये भी इतना फेमस नहीं है, मतलब इतना पॉपुलर नहीं हो रहा, ठीक है। पॉपुलर मतलब ये है कि जितनी उसकी मार्केट कैप है उसके लिहाज से, टोटल मार्केट कैप के लिहाज से 24 घंटे में जो उसका ट्रेडिंग हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ और नेक्स्ट जाते हैं हम OX, इसमें चेक कर लेते हैं ये इसकी क्या है, इसकी मार्केट कैप है 530, ये हमने शायद चेक कर लिया, इसको छोड़ देते हैं, नीचे चले जाते हैं इथेरियम में और कौन सा है, साइज नहीं सॉरी आर्बिटम में है, इसको छोड़ देते हैं, ट्रंप को देखते हैं ट्रंप क्या कर रहा है। ट्रंप को हमने देखा, ये देखें इसकी मार्केट कैप है 647,000 और इसका 24 आवर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो देखें कितना है, 794,000। इसका मतलब है जो उसकी टोटल मार्केट कैप है उससे ज़्यादा लेन देन इसका हो रहा है, उसका इफेक्ट भी आ रहा है, ये देख रहे हैं 32% आ रहा है, 32% मतलब ये है कि 32% ये एक दिन में बढ़ गया, ऑब्वियसली एक दिन में बढ़ना है क्योंकि उसका देखें उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो जो है ना सरपास कर रहा है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अब मैं नीचे बॉटम में गया, देखा इसकी जो है ना पॉपुलैरिटी कितनी है, वॉच लिस्ट 5,500 टाइम्स है, ये वॉच लिस्ट में डाला गया है, तो मतलब शुरू नए प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखिए 1 ट्रिलियन मेगा है और 100 बिलियन सेल्फ रिपोर्टेड सप्लाई अभी अवेलेबल है 24 आवर में, देखिए फुली डायलूटेड ये है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी ज़रा वेबसाइट पे गया, लेट्स चेक करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर इसके क्या फ़ायदे हैं। अभी हमें बता रहा है कि ट्रंप GPT वगैरह वगैरह इसके यूजेज क्या है, एक यूजेज मुझे इसमें, मैं इसको अर्लियर चेक कर रहा था, मुझे अच्छा लगा इसमें एक यूजेज, ये देखें इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट हो रही हैं, हाउ टू बाय यहाँ से यूनिस्वैप इसने बताया हुआ है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो बिल्ट हो रही है वो जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो है टेक स्टैक पे, ट्रंप स्कैम, ये देखें ये इसका एक ऐसा फीचर है जिसके ऊपर आप जो है ना वो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को स्कैन कर सकते हैं, इथेरियम बेस्ड जितनी भी है, इथेरियम और बाइनांस। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाता हूँ NFP प्रॉम्प्ट, ठीक है, NFP प्रॉम्प्ट या फॉर एग्जांपल मैं एक इथेरियम पे BDID उठाता हूँ। BDID का मैंने क्या करना है, मैंने ये इसका कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, चेक करते हैं हम इसको, चेक करते हैं तो ये देखिए इसका एक यूजेज है। अभी हम रिसर्च वाली साइड पे आ गए, अभी हम इसको जाएंगे इसको बाय करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है ना वो एक वैल्यूएबल। अब नीचे आए तो ये हमें बता रहा है कि मेगा स्कैनर रिजल्ट इसके ये है कि वार्निंग इसके ऊपर जीरो है। BDID यहाँ पे ये देख सकते हैं टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरीफाइड, उसके बाद ये बता रही है ये चेक्स किए इसने, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, नो प्रॉक्सी, प्रॉक्सी बीच में नहीं है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हनीपॉट रिस्क होता है कि हनीपॉट रिस्क नहीं है, बाय टैक्स 0%, सेल टैक्स 0%, मतलब फीस बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिलो 5% बाय टैक्स और जो है ना बिलो 5% सेल टैक्स, सेल मतलब एक्सपेंसिव नहीं है इसको बाय सेल करना, दिस डज नॉट अपेयर टू बी ए हनीपॉट। अच्छा उसके बाद ये देखिए टॉप 5 LP प्रोवाइडर्स, ठीक है, लिक्विडिटी पूल प्रोवाइडर्स, ये 5 उसके टॉप जो है ना वो एड्रेसेस हैं जो लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि मुझे इसकी यूटिलिटी लगी है ट्रंप की, अब मुझे ट्रंप की यूटिलिटी लगी है, देखो उसके बाद ये जो है ना सेकंड इसका जो इंडिकेटर है 24 आवर वॉल्यूम वो भी हाई है, अभी मेरा पास माइंड इसके ऊपर बन गया कि मैं ट्रंप के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट के ऊपर। अगर मैं इसकी मजीद डेप्थ में जाना चाहूँ तो वो आप जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, वाइट पेपर पढ़ सकते हैं इसके, ट्विटर पढ़ सकते हैं इसकी, और इसकी जो है ना कॉइन को जो नेक्स्ट कॉइन जो रिलीज़ है उसकी डेट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, इफेक्ट करती है प्राइसेस को। तो यहाँ तक हो गया, अभी मैंने इसको कॉपी किया, अभी फिर मैं गया वहाँ पर यूनिस्वैप के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट टोकन किया, ये देखें ट्रंप आ गया, मैंने इसको क्लिक किया, आई अंडरस्टैंड, वो मुझे बता रहा है कि हाईली वोलेटाइल है,
अभी मैं वही करता हूँ, 0.04 आपके पास जो है वो इथेरियम है, तो आपने कितने आ जाएंगे आपके पास, ये देखें 314.8 मिलियन आपके पास ट्रम्प्स आ जाएंगे, मेगा इसका नाम है, ये आपके पास इसी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये 14.8 मिलियन आपके पास आ जाएंगे, देखो अभी इसके पास 5 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, जैसे अभी किसी भी एक्सचेंज जानी मानी एक्सचेंज के ऊपर रियल इस्टेट नहीं है, और इसकी वो देखें हॉट देखेंगे कितना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर 100 इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है 100 इसमें इन्वेस्ट कर दिए, एक दिन में ये जा रहा है 28%, लास्ट वन मंथ में देखते हैं, देखें ये कहाँ से, लास्ट वन मंथ में 182% हो चुका हुआ ये, ठीक है। जैसे ही इसकी लिस्टिंग होनी है, वो आप इसकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, इसके रोड मैप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसकी लिस्टिंग ये ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे लिस्टिंग इसकी होनी है, तो इसने इसकी प्राइस जंप कर जानी है इजीली जंप कर जानी है 300-400 times, 300-400%, मतलब 3-4 times स्ट्रेट अवे जंप कर जानी है। क्योंकि उस वक्त जब मार्क एक्सचेंज के ऊपर आता है नॉर्मल, जैसे कि हमारे पास बाइनांस है या कॉइन बेस है, तो जब उसके ऊपर ये लिस्ट हो जाता है तो उस वक्त हर बंदा उसमें जो है ना ट्रेडिंग कर सकता है इजी, हर बंदे के लिए ट्रेडिंग इजी हो जाती है। जबकि हमारे पास जो ये यूनिस्वैप है इसके ऊपर ट्रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, हर बंदा ट्रेडिंग नहीं कर सकता इसके ऊपर, इसी वजह से हम इनिशियल स्टेज के ऊपर आप इसमें जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे इसने लिस्ट करना है आप फ़ौरन चाहें इसको सेल कर दें, या फ़ौरन चाहें तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जब तक आप चाहें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पैसे को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप उसको हाई गेन करना चाहते हैं, तो आपके पास यूनिस्वैप है। यूनिस्वैप अगर इसी तरह सोलाना के ऊपर कोई बना हुआ है तो उसके लिए रेडियम है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि जो है ना यूनिस्वैप को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन बना हुआ है तो वो भी वो उसकी अपनी एक्सचेंज होती है। तो अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि आपको बताया था मैं यूनिस्वैप के ऊपर आपको समझाऊंगा। तो जब ये मार्केट में आता है, ठीक है मार्केट में आता है नॉर्मल मार्केट में, जब हर बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, इंटरेस्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप इसको डेक्स टूल के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले। ये देखें अगर यहाँ पे भी आता है ना, ये 2 ज़ीरो भी इसके जाते हैं ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 20 times हो जाएगा, ठीक है 200 times मल्टीप्लाई करके देख लें इसको। अगर ये यहाँ पे आता है ना, ये इसको खा के इसको 1 भी करता है ना, 0.001 का भी होता है, अगर कैलकुलेटर कर लेते हैं, ये ट्रम्प आता है, क्योंकि अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो है ना सर्कुलेटिंग 100 बिलियन है, ठीक है 100 बिलियन, ये 1 ट्रिलियन नहीं है अभी अवेलेबल। तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि 1 ट्रिलियन से होगा तो इसकी मार्केट कैप कितनी बढ़ जाएगी, ये 100 बिलियन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 बिलियन ये जो है 3 पे आ जाता है, 0.001 का हो जाता है, देखें 0.001 का, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास है 14 मिलियन, 14888 कितना था हमारे पास यहाँ पे 14888500, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें आपके पास कितने हो गए, 14,880 $100 से, ठीक है $100 से आपके पास $14,000 हो गए, ऑलमोस्ट $15,000 हो गए। तो दोस्तों इसी तरह से आपने इस चेन को मल्टीप्लाई करते रहना। ये तो था दोस्तों यूनिस्वैप का तरीका कि आप यूनिस्वैप में $100 को मिलियन में कैसे कर सकते हो, $1,000 को 1 मिलियन में कैसे कर सकते हो, ये तरीका है। लेकिन मैं आपको फिर वार्न कर रहा हूँ, यूनिस्वैप के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये हाईली रिस्की भी होती है, हाई रिवॉर्डिंग भी होती है, ठीक है ये आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। आपकी हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट आपने अच्छी रिसर्च की है, जैसे कि मैं आपको ट्रम्प की बता रहा हूँ, ये आपने अच्छी रिसर्च की है, अच्छा प्रोजेक्ट है इसकी जो है ना हाई पी है, सारा कुछ होने के बावजूद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है आगे जाके फेल हो जाए, इसको जो इसका क्रिएटर है वो डंप कर दे, हो सकता है पॉसिबिलिटी है। आपको पहले पता है क्रिप्टो में अगर आप जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल है और ये इसमें लॉसेस होने के चांसेस हैं, और आप इसमें तब आएँ हाई रिस्क वाली साइड पर, स्पेशली तब आएँ जब आपको पता हो कि आप जो है ना जितनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आप लूज़ कर सकते हैं। देखिए यू बिकम रिच बाय टेकिंग हाई रिस्क विद स्मॉल मनी एंड यू स्टे रिच बाय टेकिंग स्मॉल रिस्क विद बिग मनी। अगर आपके पास जो है ना थोड़े पैसे हैं ना तो आपको बड़े रिस्क उठाने पड़ेंगे अगर आपने अमीर होना है,
और जब आपके पास आप अमीर हो गए हैं तब आपने बड़े रिस्क नहीं उठाने। अगर आप चाहते हैं कि अमीर रहना है तो आपने बड़े पैसे डालने इन्वेस्ट करने, थोड़े थोड़े रिस्क डालने। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है और आप चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए सारी की सारी, तो आप लोगों ने टॉप 100 में आना है। और अगर आपके पास $100 है, $200 है, आप कहते हैं आएंगे तो ठीक है, चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आएँ तो बड़ी अमाउंट आनी चाहिए, मैं उसको बड़ा रिस्क लेना है, तो यहाँ पे आपके पास एक मैंने टैब बता दी है, ये टैब आपके लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे आएँ, यहाँ से मनी यूनिस्वैप से, PancakeSwap से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्टली जाके स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें और उसको मल्टीप्लाई करें 100 times। दोस्तों उम्मीद है आपको इससे सीखने को मिला होगा बहुत कुछ, अगर मिला है तो थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको इस चीज़ की नॉलेज चाहिए। आई होप कि वो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे कि उन लोगों को आपने इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो अगर आप मुझे बताएं तो मेरी बड़ी मदद हो सकती है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहां मैं गलती कर रहा हूं, कौन सी चीज़ है जो मैं ऐड कर सकता हूं अपनी नॉलेज में, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।